अध्यक्ष महोदय, सरकार में बैठी एक मंत्री महोदया कभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर धरने पर बैठ जाती है। आज गैस सिलेंडर के दाम जब 1000 के पार हो गए, तो क्या माननीय मंत्री महोदया भूल गई कि सास भी कभी बहू थी? क्या मोदी मंत्रिमंडल से अब स्मृति ईरानी का पत्ता साफ होने वाला है? और स्मृति ईरानी के चेहरे पर इतनी बौखलाहट, संसद में यूं चीखना चिल्लाना, ये जाहिर तौर पर नहीं पता चलता कि ये चीखना चिल्लाना इसलिए नहीं है क्योंकि दर्द है उन्हें मणिपुर के लोगों का। ये चीखना चिल्लाना साहब इसलिए है क्योंकि उन्हें कुर्सी का फिक्र है कि कहीं अब मंत्रिमंडल से छटनी ना हो जाए, क्योंकि मोदी सरकार कई बड़े नेताओं की छटनी करने वाली, उनमें एक नंबर स्मृति ईरानी का भी है, क्योंकि स्मृति ईरानी से आज देश की जनता बहुत नाराज़ है, महिलाएं बहुत नाराज़ हैं, महिलाओं का बीड़ा उठाने वाली, महिला की गुहार बात करने वाली स्मृति ईरानी महिला के मुद्दे पर कभी बोलती नहीं है। ना ब्रिजभूषण वाले मामले पर उन्होंने बोला महिला पहलवानों के समर्थन को लेकर, और ना हम क्या देख रहे हैं कि मणिपुर वाले मामले को लेकर बोला जो महिलाओं की घटना सामने आई। ये कहा जा रहा है कि अब स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा क्योंकि वोट बैंक उनके हाथ से फिसल चुका है, महिला वोटर उनके साथ नहीं खड़ी हैं, अमेठी से भी उन्हें झटका लग रहा है। और कैसे भरी संसद में स्मृति ईरानी को बेइज्जत कर दिया गया, और ये भी बताया गया कि शर्म कर लीजिए स्मृति ईरानी, 2014 से पहले तो आपका तेवर कुछ और था, 2014 के बाद की तो तस्वीर बदल गई। देखिए एक रिपोर्ट। अध्यक्ष महोदय, सरकार में बैठी एक मंत्री महोदया कभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर धरने पर बैठ जाती थी। आज गैस सिलेंडर के दाम जब 1000 के पार हो गए, तो क्या माननीय मंत्री महोदया भूल गई कि सास भी कभी बहू थी? अभी मेरे एक बहुत सीनियर सांसद सदस्य ने बहुत अच्छी पंक्तियां की, महंगाई नहीं खर्चे बढ़ रहे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, जनाब गुमराह मत कीजिए ये कहकर कि महंगाई नहीं खर्चे बढ़ रहे हैं। जुबां तो है आपकी लेकिन अल्फाज किसी और के बोल रहे हैं। लेकिन इस बात पर सभी को सहमत होना होगा कि भूतपूर्व पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी के बाद पूरे देश पर लंबे समय तक पूरे देश को प्रभावित करने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ही है। इस बात पर सभी को सहमत होना होगा। रिपोर्ट आपने देखी, एक रिपोर्ट और दिखाऊंगा बौखलाहट की, संसद में चीखना चिल्लाना, यूं तो चीखना चिल्लाना इनकी आदत बन गई है क्योंकि अपनी आवाज़ को ऊंचा रखना है, दूसरों की आवाज़ को दबाना है, लेकिन चीखने चिल्लाने से सच छुपता नहीं है, झूठ सच नहीं हो जाएगा या सच झूठ नहीं हो जाएगा, जो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। कैसे स्मृति ईरानी की बौखलाहट उनके चेहरे पर है और वो उन लोगों पर नहीं चीख चिल्ला रही हैं जो दंगाई हैं, जो इस तरीके की घटना कर रहे हैं, वो विपक्ष पर चीख चिल्ला रही हैं। देखिए एक रिपोर्ट। Questions about issues regarding malnutrition and opportunities for women and children, sir, is indeed a privilege to witness as minister. My compliments to P.K. Usha ji. Those who heckle her while she speaks about the issues of malnutrition, those who heckle her, especially inching closer to her mic, possibly have not even contributed one third to this country's glory as P.K. Usha has done. रिपोर्ट आपने देख ली, और अब ये मैं जनता से सवाल कर रहा हूँ, क्या स्मृति ईरानी को वाकई मंत्रिमंडल से बाहर ही नहीं कर देना चाहिए, और क्या देश की जनता को स्मृति के खिलाफ नहीं उतरना चाहिए? क्योंकि स्मृति ईरानी ने 2014 से पहले जो बातें कही थी, 2014 के बाद उन्होंने क्या उन मुद्दों पर अपनी बात रखी? क्या सवाल जवाब उन्होंने किया सरकार से, या चीखते चिल्लाना केवल विपक्ष के लिए? और क्या स्मृति ईरानी ने देश की जनता से झूठ नहीं बोला कि हमारी सरकार आएगी तो महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, महिलाओं के लिए तमाम काम करेंगे, पेट्रोल डीजल कम कर देंगे? क्या सत्ता के लालच में आकर स्मृति ईरानी ने ये सब नहीं किया? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।